नमस्कार, वेलकम टू एरोस इंटीरियर एंड गार्डनिंग। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी बालकनी के अंदर एक सुंदर सा गार्डन कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको मेरी बालकनी का ओवरव्यू दे देती हूँ। ये जो मेरी बालकनी है ये 60th फ्लोर पर लोकेटेड है और इसकी साइज़ जो है वो 5x6 स्क्वायर फीट है, जो कि बहुत ही छोटी साइज़ है। उसके बावजूद मैंने इसके अंदर बहुत सारे प्लांट लगा रखे हैं। और इतने सारे प्लांट्स लगाने के बाद भी मेरे पास बैठने के लिए पूरी जगह है, क्योंकि मैंने इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग करी है। बालकनी के राइट साइड की वॉल पे मैंने हैंड पेंटिंग करी है। देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये एक सिंपल एशियन पेंट को यूज करके पेंटिंग करी हुई है, तो आप भी अपनी बालकनी की वॉल को हैंड पेंट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको पसंद हो। स्पेशली जो फ्लावर्स के कलर है वो यूज़ करें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड की वॉल को भी मैंने हैंड पेंटिंग करी है। लुक हियर, दिस इज अल्मांडा वाइन पेंटिंग और मैंने इसके फ्रंट में अल्मांडा वाइन को लगा भी रखा है। ऐसे ही देखिए बैक साइड में मैंने बम्बू के प्लांट्स की पेंटिंग करी हुई है और मैंने बम्बू के प्लांट्स को इनके सामने लगा भी रखा है। दीज आर गोल्डन बम्बूज। बालकनी के ऊपर के साइड में मैंने ग्रिल लगा रखी है और इस ग्रिल का पर्पस जो है, पहले तो ये खुद भी अपने आप में बहुत सुंदर दिखती है, एक अलग सा व्यू क्रिएट करती है। और इसका पर्पस है इसके ऊपर हैंगिंग बास्केट्स लगाना या कोई आर्टिफैक्ट्स लगाना हो तो वो लगा देना। इसे देखिए, मैंने ये रिंग लगा रखी है। इस रिंग को भी मैंने एशियन पेंट और ऑयल पेंट को यूज़ करके पेंट किया है। ये रियल नेस्ट है, इधर भी एक रियल नेस्ट लगा हुआ है। बर्ड्स छोड़ के चले जाते हैं गांव के अंदर, तो मैं लेकर के आ गई थी। ये एक हैंडमेड नेस्ट मैंने लगा रखा है। तो इस तरह से आप भी आर्टिफैक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, जिससे कि बालकनी की ब्यूटी इंक्रीज हो जाए। और सेकंड पर्पज जो है इस ग्रिल का, इसके ऊपर ये वाइन्स जो बेल वाले जो पौधे होते हैं उनकी बेलों को ऊपर चढ़ाने के लिए है। देखो कितना बढ़िया सा एक पैटर्न क्रिएट हो गया है, झूलती हुई बेलें कितनी सुंदर लग रही हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप अपनी बालकनी की गार्डन की प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले कौन सा पॉइंट आपको कंसिडर करना है। एक्चुअली आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपके बालकनी के अंदर कितना स्पेस है और उसके अंदर कि कौन सी जगह पे हमें प्लांट्स को लगाना है। ये आपका फिक्स हो जाए उसके बाद में आपको क्या करना है, किस स्टैंड के ऊपर आपको प्लांट्स को रखना है। इसे देखिए, मैंने स्टेप वाला स्टैंड यूज़ करा है, जिसमें नीचे एक स्टेप है और स्टेयर्स की जो स्टेप होती है उस तरह से ऊपर एक स्टेप है। तो मेरा और ऊपर की जो स्टेप है उसके नीचे वाली स्टेप हाफ उसके अंदर ही है, जैसे ओनली 6 इंच बाहर निकली है, बाकी ऊपर वाले स्टेप के अंदर ही उसका पूरा पार्ट है। इसका मेन पर्पस ये है कि अगर कम जगह हो तो आप 2 लेयर्स में आराम से कम जगह में प्लांट्स को रख सकते हैं। और नीचे वाली स्टेप के ऊपर आप लोअर हाइट के प्लांट्स रख सकते हैं या वाइन्स वाले प्लांट्स को रख सकते हैं, जिनमें बेलें बाहर आराम से निकल के आ जाती हैं। अंदर से भी आप इसके जो होल्स होते हैं उसे आप निकाल के लेके आ सकते हैं। और ऊपर की साइड आप वर्टिकल आपके पास स्पेस है तो आप लंबी हाइट के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि आपको कौन से स्टैंड पे रखना है और कहाँ पे प्लांट्स रखने हैं, ये फिक्स होना चाहिए। सेकंड, आपका जो स्टैंड है उसकी ग्राउंड से जो है, देखिए ग्राउंड से उसकी जो
हाइट है वो कम से कम 6 इंच रहनी चाहिए, क्योंकि जिससे कि आपको क्लीनिंग में आसानी हो, पानी वगैरह अगर आपको निकालना हो, वाइपिंग करनी हो, तो आप आसानी से कर सकें। नेक्स्ट, आपको किस टाइप के प्लांट्स का गार्डन बनाना है, ये सेकंड पॉइंट है। तो आप 2-3 पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं, या 2-3 टाइप्स के गार्डन्स आप बना सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ बोनसाई के प्लांट्स का गार्डन बना सकते हैं, जिसमें प्लांट्स भी बहुत सुंदर दिखेंगे और थोड़ा खुला खुला गार्डन आपका तैयार होगा। सेकंड, अगर आप सिर्फ दो तीन पौधे लगाना चाहते हैं, तो आप क्या करिए कि जो बड़ी हाइट वाले पौधे हैं, और जिनके जो देखिए ये वाला चंपा है, इसको ज़रूर कंसिडर करिए। ये वाला प्लांट आप एक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ये एरिका पाम लगा सकते हैं, या आप एडिनियम के कुछ प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये 2-3 प्लांट भी आप लगाएंगे तो एक अच्छा सा आपके गार्डन के अंदर लुक आ जाएगा। मनी प्लांट लगा सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपको सारे टाइप के प्लांट लगाने हैं, या मैं कहूँ कि आपको जैसे एक इकोसिस्टम क्रिएट करना है, एक फॉरेस्ट टाइप का आपको गार्डन तैयार करना है, जैसे मैंने कर रखा है, तो आप अलग अलग टाइप के प्लांट्स लेकर के आए, और अलग अलग टाइप के प्लांट्स में सारे पॉइंट कंसिडर करें कि कुछ प्लांट्स हो जिनकी लीव्स हो, ब्रॉड लीव्स हो। जैसे ये है चमेली का चंपा, नोट चमेली, चंपा का जो प्लांट है ये है, तो इस टाइप के प्लांट्स आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट ये है कि जब आप प्लांट सेलेक्ट करते हैं, तो आपके प्लांट इस तरह के हो कि वो अलग अलग सीजन में ब्लूम हो, जिससे कि आपके गार्डन में हमेशा फ्लावर्स प्रेजेंट हो, और प्लांट जो है वो रफ एंड टफ टाइप के हो, जिससे कि उनके ऊपर इंसेक्ट्स है वो ना लगे, फंगस उनके ऊपर ना लगे, और वाटर जो है उनको अगर आप 1-2 दिन ना दें तो भी वो प्लांट है वो जलना नहीं चाहिए, इस तरह से वो रफ एंड टफ टाइप के प्लांट हो। नाउ आप अपने गार्डन के अंदर अलग अलग टाइप के जो पौधे लगाएंगे, उनमें से आप कुछ प्लांट्स हैं वो वाइन्स वाले प्लांट सेलेक्ट करिए, मतलब बेलो वाले पौधे सेलेक्ट करिए, जिसमें मनी प्लांट भी एक वाइन है, रोज वाइन है, मतलब जो भी वाइन आपको पसंद है, चमेली है, रात की रानी है, मधुमालती है, ऐसे कोई भी वाइन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाइन्स को जगह कम चाहिए, वर्टिकली ऊपर चली जाती हैं और बहुत ही अच्छा सा पैटर्न क्रिएट करती हैं, इनकी जो टहनियाँ हवा में झूलती हैं तो बहुत ही अच्छा सा फीलिंग आता है। नाउ इनकी केयर की जहाँ तक बात है, तो 2-3 महीने में आपको एक बार इनके अंदर खाद देना पड़ता है, जो कि इजीली आप कहीं भी जहाँ प्लांट बिकते हैं वहाँ से लेकर के आ सकते हैं। और फ्लावर्स लेने के लिए कोई स्पेशल खाद देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल अगर आप 2-3 महीने में खाद देते रहेंगे तो वैसे ही फ्लावर्स इसमें आते रहेंगे। अगर आपको कुछ अलग से खाद देना है तो फिर नाइट्रोजन, पोटेशियम, NKP करके आता है, तो वो आप लेकर के आ सकते हैं, और कुछ क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में आप अपने फ्लावर्स वाले प्लांट में डाल सकते हैं। नर्सरी वाले वही फ्लावर्स लेने के लिए वो वाला खाद ही यूज़ करते हैं। नाउ वैसे आप रेगुलर खाद दे रहे हैं तो वो ना देंगे तो भी चलेगा। नाउ मैं आपको अलग अलग प्लांट्स जो है उनके टाइप्स में बताती हूँ, और उनकी स्पेशलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। ये जो है मेरा प्लांट, ये स्नेक प्लांट है, इसको ऑक्सीजन प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है, या स्लिप प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और ये इंडोर और आउटडोर दोनों में जाता है। इस प्लांट की स्पेशलिटी ये है कि ये रात को भी ऑक्सीजन देता है, तो साउंड स्लिप के लिए लोग अपने बेडरूम में भी इसको यूज़ करते हैं, और ये अच्छा प्लांट है, इसमें पानी की बहुत कम क्वांटिटी चाहिए, और हाँ इसमें फंगस आ जाती है, तो जब जिस भी इसकी लीफ पे फंगस आती है उसको कट कर देना चाहिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है वो ये है रोज़ वाइन। रोज़ वाइन एक बहुत अच्छी वाइन है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि जब इसके ऊपर रोज आएंगे ना तो पूरा ये भर जाएगा। यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह में जनरली रोज़ वाइन लगाते हैं, तो आपने फ़ोटो वगैरह देखी होंगी, बहुत ही सुंदर लगेगा। और इसमें भी अलग अलग कलर की वाइन्स आती हैं, अलग अलग टाइप के रोज़ का कलर रहता है, तो आप
डिफरेंट डिफरेंट वाइन्स आप ऐड कर सकते हैं। ये है, ये वाला जो वाइन है ये है रात की रानी। ये जब रात होना स्टार्ट होती है, शाम से ये ब्लूम होना स्टार्ट होती है, इसलिए इसको रात की रानी। और इसके फ्लावर्स की स्मेल बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ही फ्रेग्रेंस है वो, बहुत ही शानदार वाली होती है। तो आप इसको अपने गार्डन में ऐड करिए। मनी प्लांट जो कि हमारा कॉमन प्लांट है, उसको भी आप गार्डन के अंदर ऐड करिए। यह है गोल्डन बम्बू जो कि एक बहुत अच्छी सी फीलिंग देता है, लाइक फॉरेस्ट टाइप। तो ये भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए। रफ एंड टफ टाइप का प्लांट है और नए नए इसमें देखो नए नए इसमें शूट्स निकलते रहते हैं और वो बहुत जल्दी से बड़ा सा प्लांट बन जाता है। इतना फास्ट बनता है कि इसको रोज़ बढ़ते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता है। यह है फाइकस। हाँ, फाइकस को भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, क्योंकि फाइकस का जो प्लांट है वो बहुत ही रफ एंड टफ टाइप का प्लांट है, बहुत कम केयर और हमेशा ये हरा भरा बना रहता है। देखिए इसमें वेरिगेशन कितनी अच्छी अच्छी वेरिगेटेड लीफ है इसकी, कितना सुंदर लुक दे रही है। इधर दूसरा टाइप का फाइकस है, देखिए बिल्कुल ग्रीन। तो फाइकस के अलग अलग टाइप आते हैं, आप सारे टाइप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, दो तीन प्लांट अगर आपको लगाना हो तो इसमें आप फाइकस को भी कंसिडर कर सकते हैं। मोर फंकी ऐड करिए, बहुत ही कम केयर लेनी पड़ती है, ये भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए। नाउ नेक्स्ट जो प्लांट है वो है मधुमालती। ये जो वाइन है ये मधुमालती की वाइन, और आप इसको वाइन भी बना सकते हैं, या इसको अगर आप ऊपर से कट कर देंगे तो झाड़ टाइप का प्लांट भी ये तैयार हो जाता है। और इसके फ्लावर इतने सुंदर होते हैं और रंग बदलते हैं, दिन में कुछ अलग रंग होता है, शाम को कुछ अलग रंग होता है, और बहुत सारे फ्लावर गुच्छे में आते हैं, बहुत ही अच्छी वाइन है। इधर ये देखिए अगजोरा, अगजोरा भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। इसमें बहुत सुंदर फ्लावर आते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर फ्लावर आते हैं, देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं। तो और इसके बारिश के टाइम तो बहुत ज़्यादा ब्लूम होते रहते हैं, बाकी पूरी साल ही इसके ऊपर फ्लावर्स आते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट आप कुछ बोनसाई अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, जो कि एक अलग टाइप का लुक देती है। और बोनसाई की स्पेशली जो है रूट्स का ही लुक होता है, और ये कम हाइट वाले प्लांटर में लगते हैं। जैसे मैंने ये बनियान ट्री का बोनसाई बनाया हुआ है, मेरा अलग से एक वीडियो इस है मेरे इस वाले चैनल पे, आप देख सकते हैं किस तरह से बोनसाई तैयार करते हैं। ये तो चंपा का प्लांट है, कितना सुंदर लग रहा है, इसकी लीफ सुंदर लगती है, इसकी स्टेम्स भी सुंदर दिखती हैं। ऐसे ही ये बरगद के प्लांट की लीफ कितनी सुंदर दिख रही हैं। ये देखिए चमेली, चमेली के फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस तो ज़बरदस्त रहती है, ये भी आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। ये भी एक वाइन टाइप का प्लांट है। और बोगनविलिया देखिए, बोगनविलिया के तो फ्लावर्स का कलर भी अलग अलग टाइप की बोगनविलिया आती है, तो आप ज़रूर अपने से एक बोगनविलिया इधर लगी हुई है, कुछ बोगनविलिया सामने लगी हुई है, तो ये आप, और ये एक वाइन टाइप की पैटर्न भी आप तैयार कर सकते हैं, या इसको ऊपर से कट कर देंगे तो इनका भी वो वाला जो है बोनसाई है। देखिए आप ऊपर से कट करेंगे तो बोनसाई तैयार हो जाएगा। एरिका पाम बहुत ही रफ एंड टफ टाइप का प्लांट है, इसको भी अपने गार्डन में ऐड करिए, इसकी केयर भी बहुत कम लेनी पड़ती है। ऐसे ही अगर जहाँ पे आपको कर्टेन टाइप का पैटर्न क्रिएट करना हो, कर्टेन वाला आपको वो व्यू ब्लॉक करवाना हो या सेमी ब्लॉक करवाना हो, तो आप कर्टेन वाइन लगाइए। देखिए ये वाली जो वाइन है ये कर्टेन वाइन है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि हर एक नोड पे इसके, जैसे ये देखिए ब्रांचेस निकलती हैं इस तरह से हर एक नोड पे, और फिर वो एक कर्टेन तैयार कर लेती हैं। तो जहाँ पे आपको ब्लॉक करवाना हो तो वहाँ पे कर्टेन वाइन लगाइए। इसके अलावा ये जो प्लांट्स हैं ये सीजनल प्लांट्स हैं फ्लावर, तो आप अपनी कुछ बास्केट्स में सीजनल फ्लावर वाले प्लांट लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो दूसरी सीजन वाले आप प्लांट्स लगा सकते हैं। तो ये आप ज़रूर ऐड करिए कुछ बास्केट्स में, जिससे कि आपके गार्डन में सीजनल फ्लावर्स का एक आपको फीलिंग आए। देखिए रोज़ कितना सुंदर लग रहा है, तो आप रोज़ के प्लांट्स ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। इसके अलावा आप स्नेक प्लांट, ये देखिए दूसरे टाइप का स्नेक प्लांट, तो इधर एक और टाइप है स्नेक प्लांट की, तो स्नेक प्लांट की भी अलग अलग टाइप्स आती हैं, तो वो आप अपने गार्डन में ऐड करिए। इसके अलावा ये देखिए एलोवेरा तो हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, तो वो भी आप अपने गार्डन में ऐड करिए। जैसे ये एडिनियम है, ये बहुत अच्छा प्लांट है, इसके फ्लावर बहुत सुंदर आते हैं, और ये बोनसाई टाइप ही रहता है, तो ये
इसका जो नीचे का ट्रंक है, इसके रूट्स हैं, उनका भी एक अपना ब्यूटी रहता है। तो आप ये ऐड करिए। इसके अलावा ये गार्लिक वाइन है, जिसकी स्मेल है वो गार्लिक टाइप की आती है। फ्लावर्स भी इसके बहुत अच्छे रहते हैं। ये भी एक वाइन है, तो ये इस टाइप के वाइन्स भी आप ऐड कर सकते हैं। यह है टेबल पाम, जो कि इंडोर भी चलता है और आउटडोर भी जाता है। तो आप टेबल पाम लगा सकते हैं और इंडोर में भी इसको लगा सकते हैं। जो प्लांट है वो है ड्रेसियाना। देखिए, ये एक रेगिस्तान जैसे फीलिंग देता है। वैसे ये इंडोर में भी जाता है, ये इंडोर प्लांट ही है, बट आप छांव में रखेंगे तो आउटडोर में भी इसको रख सकते हैं। यह है एग्लाव नीमा। ये देखिए कितनी ब्रॉड लीफ और कितना सुंदर दिखता है, और इसकी भी अलग अलग वेराइटी आती हैं। ये इंडोर का प्लांट है, और अगर आप इसको छांव में रखते हैं तो आउटडोर में भी लगा सकते हैं। तो मैंने जितने भी प्लांट्स आपको बताए हैं, ये सारे रफ एंड टफ टाइप के प्लांट ही हैं, अच्छे प्लांट हैं। सिर्फ ये जो स्नेक प्लांट है, इस पर ज़रूर फंगस आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप इसके ह्यूमिडिटी वगैरह एनवायरनमेंट में नहीं रखेंगे तो फंगस नहीं आएगा, और जहाँ भी फंगस लग जाती है उस लीफ को आप कट कर देंगे तो ये मेंटेन रहता है। इसके अलावा जो चमेली है, चमेली का प्लांट है, वो इंसेक्ट्स को, मतलब फंगस इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो इसके ऊपर आप होममेड इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। लाइक लौंग है, उसको उबाल के उसका वाटर है वो इस पर स्प्रे कर सकते हैं, या मार्केट में भी इंसेक्टिसाइड आते हैं, वो एक दो बूंद डाल के वाटर के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। तो इस तरह से आप दूसरे भी बहुत सारे टाइप के प्लांट्स आते हैं, उनमें कोई भी प्लांट आप जो आपको अच्छा लगता है वो अपने गार्डन के अंदर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आप प्लांट लेकर के आए, वो पेरिनियल टाइप के प्लांट आपके गार्डन में ज़्यादा होने चाहिए। पेरिनियल का मतलब है कि वो अगर आप केयर लें तो लाइफ टाइम भी चल सकते हैं। कुछ बास्केट्स हैं वो आप बना सकते हैं सीजनल फ्लावर्स प्लांट की, जैसे मैंने बना रखी है, जिससे कि नेक्स्ट सीजन आएगी तो मैं इनको फिर दूसरे फ्लावर वाले प्लांट से एक्सचेंज कर दूंगी। ये सिर्फ सीजन के अंदर ही ब्लूम होते हैं, बाद में ये प्लांट पूरे ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट जितने भी मैंने प्लांट्स आपको बताए वो सारे पेरिनियल टाइप के प्लांट हैं, अगर मैं केयर लूँ तो वो लाइफ टाइम भी चल सकते हैं। तो हाँ फ्रेंड्स, आपको मेरी ये जो गाइडेंस हैं यूज़फुल रहेंगी। कहीं भी ज़रूरी नहीं है बालकनी के अंदर ही, कहीं भी आप अपना गार्डन बना रहे हैं ये पॉइंट कंसिडर करिए। ग्राउंड के ऊपर गार्डन है तो और भी आपके पास बहुत सारे स्कोप रहते हैं, एक अच्छा सा लैंडस्केपिंग आप बना सकते हैं। और बाकी बालकनी के अंदर भी आप अच्छा सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। और गार्डन को बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, लेकिन वो रोज़ देखने में बहुत अच्छा लगता है। नए नए फ्लावर्स ब्लूम होते हैं तो एक नई सी एनर्जी, एक नया सा उत्साह, और बहुत ही अच्छा सुकून सा महसूस होता है। नई नई लीफ ग्रो होती हैं तो ऐसा लगता है एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हो रही है। हवा के अंदर ये जो टहनियाँ हिलती हैं तो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है। तो और कोई बहुत ज़्यादा इनकी केयर नहीं लेनी पड़ती। आपको खाद है वो 2-3 महीने में या 4 महीने में एक बार डालनी है, और आपको बस रोज़ वाटर देना है। वाटर भी बारिश के टाइम तो देना नहीं होता, जिन प्लांट्स के पास रेन का वाटर नहीं पहुंचता उनको देना पड़ता है, अदरवाइज दिन में एक बार आपको पानी देना है जहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं हो, और धूप हो तो सुबह शाम दोनों टाइम आपको पानी देना है। सो थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स। आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं गाइडेंस की वीडियो डालती रहती हूँ, इंटीरियर की गाइडेंस की वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ, जिससे कि आप इंटीरियर खुद से कर पाएंगे और आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे। अपनी पसंद का इंटीरियर आप खुद कर सकते हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मेरे जो भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आपको मिलें।